नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद चौंपोट। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। लगातार बारिश से दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर, शास्त्री नगर और बागबेड़ा के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा। उपायुक्त ने किया सघन दौरा, लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने का निर्देश, राहत बचाव कार्य आरंभ। तेज आंधी से शहर में दर्जनों पेड़ उखड़े, आवागमन ठप, शहर की रफ्तार थमी। लगातार बारिश ने बिचौलियों और अभियंताओं की खोली पोल, सरायकेला व्यवहार न्यायालय टापू में हुआ तब्दील। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। पिछले 24 घंटों से हो रही लगातार बारिश और डैम के फाटकों को खोल दिए जाने से खरकई और सुवर्णरेखा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। कल देर रात कदमा, शास्त्री नगर और बागबेड़ा के तटीय इलाकों में दर्जनों घरों में बाढ़ का पानी घुस जाने से वहाँ अफरा तफरी मच गई। पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश ने अब अपना विकराल रूप धारण करना आरंभ कर दिया है, जहां जमशेदपुर व आसपास के क्षेत्रों में नदी से सटे तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। बढ़ते पानी की वजह से जुगसलाई बागबेड़ा क्षेत्र के लगभग सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोग अपने अपने घरों को खाली कर सुरक्षित स्थानों की तरफ जा रहे हैं। पिछले कई घंटों से लगातार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। ऊपर से ओडिशा के व्यांगविल डैम का फाटक खोले जाने की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। नदी से सटे नालों की वजह से बाढ़ का पानी निचले इलाकों में घुसता जा रहा है। अब तक जुगसलाई और बागबेड़ा क्षेत्र के निचले इलाकों में लगभग सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। स्थिति और विकराल होती जा रही है। लगातार जलस्तर बढ़ता देख स्थानीय जनप्रतिनिधि क्षेत्र के लोगों को माइकिंग के जरिए अपने अपने घरों को खाली कर सुरक्षित स्थानों पर जाने का आग्रह करते नजर आ रहे हैं। बागबेड़ा, नया बस्ती और जुगसलाई के तटीय इलाकों में लगातार पानी बढ़ता जा रहा है। वहीं जानकारी देते हुए बागबेड़ा क्षेत्र के पूर्व जिला परिषद सदस्य किशोर यादव ने बताया कि लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। उन्होंने बताया कि स्थानीय युवकों की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी चूंकि लगातार क्षेत्र में बारिश हो रही है रात से ही, और वैंगिल डैम और चांडिल डैम का फाटक खोल दिया गया है, जिसके कारण खरखराई नदी पूरा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और पूरा खरखराई नदी अपनी उफान पे है, जिसके कारण आज हमारे नया बस्ती जो बागबेड़ा का तटीय इलाका है, इस क्षेत्र में अभी तक 60-70 घरों में पानी बाढ़ का घुस गया है। लोगों को परेशानी हो रही है। हम लोग लगे हुए हैं इन लोगों को राहत पहुंचाने में, इन लोगों का सामान खाली कराने में, और नया बस्ती प्राइमरी स्कूल में इन लोगों के लिए राहत शिविर का हम लोगों ने व्यवस्था। उधर जिले के उपायुक्त विजय जाधव ने निचले इलाकों का सघन दौरा किया और बाढ़ के खतरे को देखते हुए लोगों को अविलंब सुरक्षित स्थानों पर जाने का निर्देश दिया। कदमा शास्त्री नगर में कई बस्तियों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है और दोनों नदियां उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश से कई स्थानों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। निचले इलाके की बस्तियां जलमग्न हो गई है। खरकई और स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने के कारण निचले इलाकों में जिले के उपायुक्त ने दौरा कर तमाम लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने का निर्देश दिया है। कदमा शास्त्री नगर क्षेत्र के निचले बस्तियों में पानी घुस चुका है। बड़ी संख्या में यहाँ घर जलमग्न हो चुके हैं। लोग अपने घरों के सामानों के साथ घर से बाहर दिखे। वहीं जिले के उपायुक्त विजय जाधव ने इन इलाकों का दौरा दोपहर बाद किया, जहां उन्होंने सभी को शेल्टर होम में जाने का निर्देश दिया। लगातार शहर की दोनों प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। गेट खोले गए हैं और इधर नहीं, अभी कोई डेटा उसका अवेलेबल नहीं है। हम उसका जैसे अवेलेबल होगा हम उसको जारी करेंगे ऑफिशियल। क्या यह पूर्वानुमान है कि दोनों नदियां खतरे के निशान से और ऊपर जा सकती है, डेंजर जोन से ऊपर जा सकती है? हाँ, वो हमको बताते हैं कि खतरे का लेवल क्या होता है, कितना मीटर होता है, और सद्य स्थिति में पानी कितने मीटर तक है, तो खतरा लेवल पार करने के लिए कितने मीटर का गैप रह गया है, और इतनी वर्षा होने की संभावना है, तो ये 6 घंटे में, 7 घंटे में, 10 घंटे में ये डेंजर लेवल पार कर सकता है, इस टाइप का प्रोवाइड
प्रोबेबिलिटी होता है? एक मोटा मोटी खरखई पार कर चुका है, सुवर्ण रेखा का कितना वो डेंजर लेवल का पार करने के लिए कितना गैप रह रहा है, ऐसे पूर्वानुमान दिया जाता है। उनसे जो घंटे दो घंटे में जो रिपोर्ट आ रही है जिसमें लाल स्याही से लिखा जाता है कि द रिवर में क्रॉस द डेंजर लेवल, इतना उसका इतने मीटर का गैप रह गया है, उसके अनुसार ही ये लोग अलर्ट जारी कर रहे हैं, लोगों को इवैक्यूएट कर रहे हैं, पहले प्रशासन अलर्ट मोड पे आ रहा है। पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। बीती रात 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली आंधी ने पूरे शहर में दर्जनों पेड़ों को उखाड़ दिया है, जिससे सड़कें ब्लॉक हो गई है और शहर की रफ्तार एकदम से थम गई है। जमशेदपुर व आसपास के इलाकों में पिछले 24 घंटे से हो रहे रुक रुक कर बारिश और तेज हवाओं से शहरी जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हवा के साथ हो रहे बारिश ने शहर के कई सड़कों के किनारे जगह जगह पेड़ गिरने से शहर की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। वैसे किसानों के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही है और शहर की दोनों प्रमुख नदियां खरकई और सुवर्णरेखा जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है, निचले इलाके के लोगों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। पेड़ गिर गया रात में आनंद सागर सामने, जमशेदपुर में ऐसे भी बहुत गाछ गिरा हुआ है, बहुत जगह रोड जाम हो गया है, लेकिन ये हम लोग का आनंद सागर सामने जो गिरा हुआ। लगातार हो रही बारिश की वजह से गरीब तबके के लोग, रोज कमाने खाने वाले, ठेले वाले, छोटे मोटे रेहड़ी लगाने वाले, रिक्शा चालक काफी परेशान नजर आ रहे हैं। शनिवार को शहर में बाहरी राज्यों के परीक्षार्थी भी परीक्षा देने आए थे। लगातार बारिश ने शहर की रफ्तार को जैसे थाम लिया है, बहुत जरूरी होने पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, सड़कें सूनी हो गई है। ऐसे में छोटे मोटे दुकानदार, ठेले और रेहड़ी चलाने वाले, रिक्शा और ऑटो चालक, साथ ही जो रोज कमाने खाने वालों की श्रेणी में आते हैं, वे काफी परेशान नजर आए। बहुत परेशान है जी, बरसात गर्मी में तो परेशान कर, बरसात है भादों में हो रहा है, साबर में तो नहीं पानी भादों में हो रहा है, आज परेशान कमाने खाने वाला कहाँ जाएगा, हम कमाने खाने पानी ऐसे गिर रहे तो हम लोग को रोजी रोटी कहाँ से होगा, एक टाइम को ना खा डेली कमाओ डेली खाने वाला हिसाब है। अभी बारिश में कहाँ भींग रहे हैं? अरे वहाँ तो गाड़ी लेके जाने के लिए कमाने के लिए देख रहे, आज पानी स्पीड हो गया तो रुक गए। गर्मी से तो कुछ नहीं है, ITI का एग्जाम थोड़ा, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। आप क्या बोले सर? ITI का एग्जाम हो रहा है सर, और प्लस में यहाँ की क्योंकि मौसम खराब हो चुका है, बाकी बाद एग्जाम 12 बजे लिया जाएगा हम लोग को। इस भारी बारिश ने कुछ लोगों की पोल भी खोल कर रख दी है। सरायकेला व्यवहार न्यायालय की बात करें तो पूरा परिसर तालाब में तब्दील हो चुका है, घुटनों तक जल जमाव के चलते लोग अभियंताओं और ठेकेदारों को कोस रहे हैं। उधर सरायकेला खरसवां जिले में पिछले 24 घंटे से हो रहे रुक रुक कर बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश के साथ तेज हवाओं की जहां सिहरन बढ़ रही है, वहीं जिले में बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। जिले से होकर गुजरने वाली प्रमुख नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उधर आवासीय उदासीनता के कारण एक बार फिर से सरायकेला सिविल कोर्ट टापू में तब्दील हो चुका है। शनिवार को कोर्ट में न्यायिक कार्य कैसे होंगे, ये चिंता का विषय है। बता दें कि जिला बार एसोसिएशन और नगर पंचायत के उपाध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी की मांग पर पिछले साल उपायुक्त ने सिविल कोर्ट में होने वाले जल जमाव को दुरुस्त करने का जिम्मा भवन निर्माण विभाग को दिया था। इसका प्राक्कलन बना और काम शुरू भी हुआ, मगर DPR में त्रुटि और काम की धीमी गति के कारण आज ये स्थिति उत्पन्न हो गई है। ये जो सरायकेला का व्यवहार न्यायालय यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है, पिछले दिनों उपायुक्त और हाईकोर्ट ने भी इसको संज्ञान में लिया, उसके बावजूद भवन विभाग के गैर जिम्मेदार अभियंताओं द्वारा इसको कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। प्राकलन भी बना तो जिस विषय को लेकर प्राकलन बनाना था इसको
परिसर को ऊंचा करना था लेकिन प्राकलन में वही गायब है। झारखंड राज्य आजीविका कैडर संघ के बैनर तले शनिवार को भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में महिला सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन के लिए काम करने वालों ने जिला बंदोबस्त कार्यालय का घेराव किया। क्या काम करती हैं आप लोग? हम लोग पीआरपी और बैक हैं। हम लोग जो है महिला के ऊपर, महिला सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन पर काम करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सुषमा दास और हम चाकुलिया प्रखंड से। मानको बालीगुमा स्थित न्यू ग्रीन सिटी कॉलोनी के लोग सोसाइटी संचालन समिति के खिलाफ गोलबंद हो गए हैं। शनिवार को लोगों ने एक आपात बैठक करते हुए सोसाइटी के पदाधिकारियों के खिलाफ कई निर्णय भी लिए। चुनी हुई कमेटी के मनमानी के खिलाफ यहां के निवासी अब गोलबंद नजर आ रहे हैं। जहां चुनी हुई कमेटी के द्वारा खुद दुर्गा पूजा करने का निर्णय सभी को सुनाया गया था, जबकि सोसाइटी के नियमों के अनुसार एक दूसरी आम कमेटी बनाकर दुर्गा पूजा को संपन्न किया जाता है। यहां के निवासियों के द्वारा बुलाई गई आम सभा में तकरीबन 60 परिवार के सदस्य शामिल हुए, जहाँ सभी ने सर्वसम्मति से पूजा आयोजन के लिए समिति का गठन किया। पिछले बार जैसा होता था वैसा नहीं। इस बार क्या सूचना मिली आपको और ये मीटिंग क्यों हो? ये मीटिंग इसलिए हो रही है कि एक तरफा जो कॉलोनी के कमेटी मेंबर है उन्होंने खुद से घोषणा कर दिया कि हम लोगों ने पूजा करना है, इसलिए ये मीटिंग हम लोगों ने बुलाकर। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज टाइम्स। सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियाँ, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता: सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। बवासीर से अब घबराना क्या? चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहां कहां से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड, आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए
राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन, उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। इंडियन बेकरी, स्पेशलिस्ट इन केक्स एंड कॉन्फेक्शनरी आइटम। Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cake, wedding cake. All types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family.